English class we will learn about how we can write cursive P. Okay students, in the last classes we learned till O, cursive O. हम लोग last class में cursive O तक लिखना सीख चुके हैं. आज की class में हम cursive P लिखेंगे. इसे capital cursive P बोलते हैं. Okay students, उससे पहले हमें P का sound clear होना चाहिए. P का sound क्या होता है? P. P का sound P. तो यहाँ हमारे पास कुछ pictures हैं जिनके words जो हैं वो P letter से start होते हैं. तो उसे हम कैसे read करेंगे? P P P's. ये क्या है? P's. इसे हम बोलेंगे P P P's. Here is it. ये है pineapple. इसे हम बोलेंगे P P pineapple. Okay students. Hope clear है आपको P का sound. मैंने आपको पहले भी हर बार बताया है बेटा, चाहे small हो, चाहे capital हो, चाहे cursive हो, आपका जो भी लेटर लिखने का तरीका हो, लेकिन जो है उसका साउंड चेंज नहीं होगा. ओके okay? उसका साउंड जो है वो सेम रहेगा, लेटर का साउंड चेंज नहीं होता है. तो आज हम लिखेंगे बेटा कर्सिव पी. इसे हम बोलते हैं कर्सिव पी. आप प्लेन कैपिटल पी लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, इसे हम प्लेन कैपिटल पी बोलते हैं. इसे ही लिखने का हमारा वे चेंज हो जाए जिसे हमें कर्सिव में लिखना है. मैंने आपको बताया था बेटा कि जो कर्सिव लेटर्स होते हैं वो थर्ड लाइन से बिगिन होते हैं, जो कैपिटल कर्सिव लेटर्स होते हैं. लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम स्टार्टिंग पॉइंट से भी बिगिन यानी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन से भी स्टार्ट करते हैं लिखना. ओके okay? तो आज हम जो पी प पैरेट, पी प पीस, पी प पेग लिखना जो सीखेंगे उसे हम फर्स्ट लाइन से सीखेंगे. कैपिटल लेटर